हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z Information पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में PPF अकाउंट के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है। PPF अकाउंट। PPF अकाउंट 15 साल का होता है। इसमें आप हर साल न्यूनतम 500 रुपए से लेकर अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। फिलहाल इस पर 7.1% सालाना के हिसाब से ब्याज मिलती है। 15 साल पूरे होने के बाद आपकी पूरी जमा और ब्याज को मिलाकर पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं। कोई विशेष जरूरत पड़ने पर बीच में अकाउंट बंद भी कर सके हैं या कुछ हिस्सा निकाल भी सकते हैं। PPF अकाउंट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आगे दी गई है। जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। PPF अकाउंट कहाँ खोल सकते हैं? कौन खोल सकता है? पोस्ट ऑफिस या बैंक में PPF अकाउंट खुलवाया जा सकता है। ज्यादातर सरकारी बैंक, SBI, BOB, PNB वगैरह अपने यहाँ PPF अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। कई बड़े प्राइवेट बैंकों, HDFC, ICICI, एक्सिस वगैरह में भी इसका अकाउंट खुलवाने की सुविधा होती है। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक अपने नाम पर PPF अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि किसी एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक PPF खाता खुलवाया जा सकता है। अगर आपका पूरे देश में कहीं भी किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में पहले से PPF अकाउंट खुला है, तो फिर किसी दूसरे बैंक या दूसरे पोस्ट ऑफिस में PPF खाता नहीं खुलवा सकते। विदेशी नागरिक या NRI का दर्जा पा चुके व्यक्ति को PPF अकाउंट खुलवाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर पहले से PPF अकाउंट खुलवा चुके हैं और बीच में NRI बने हैं, तो उस अकाउंट को आप 15 साल की मैच्योरिटी पूरी होने तक जारी रख सकते हैं। क्या बच्चे के नाम PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं? हाँ, बच्चे के नाम पर उसके अभिभावक गार्डियन की ओर से PPF अकाउंट खुलवाया जा सकता है, लेकिन बच्चे के वयस्क होने तक उसके अकाउंट के संचालन का अधिकार अभिभावक के पास ही रहेगा। 18 साल की उम्र पूरी होने पर PPF अकाउंट उसके नाम हो जाता है। उसके सभी KYC डॉक्यूमेंट्स, फोटो, पहचान प्रमाण, पता प्रमाण वगैरह नए सिरे से जमा कराए जाते हैं। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए भी उसके अभिभावक की ओर से PPF अकाउंट खुलवाया जा सकता है। क्या संयुक्त PPF खाता खुलवाया जा सकता है? नहीं, PPF अकाउंट को संयुक्त खाता, जॉइंट अकाउंट के रूप में नहीं खुलवाया जा सकता। HUF, हिंदू अविभक्त परिवार के रूप में भी PPF अकाउंट अब नहीं खोला जा सकता, लेकिन अपने बच्चे के लिए PPF अकाउंट खुलवाने में उसके अभिभावक के रूप में शामिल हो सकते हैं। बच्चे के अकाउंट को संयुक्त खाता नहीं माना जाता। PPF में न्यूनतम कितना पैसा जमा करना पड़ता है? आप पोस्ट ऑफिस में या बैंक में कम से कम 500 रुपए जमा करके PPF अकाउंट खोल सकते हैं। खाता खोलते समय अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। बाद में भी हर साल आपके अकाउंट में 500 रुपए जमा होने अनिवार्य है। अगर किसी वित्त वर्ष के दौरान आपके अकाउंट में न्यूनतम 500 रुपए जमा नहीं होंगे, तो आपका अकाउंट बंद डिस्कंटिन्यूड हो जाएगा। बंद PPF अकाउंट को दोबारा चालू कराने के लिए आपको 50 रुपए पेनाल्टी जमा करनी पड़ेगी। PPF अकाउंट स्कीम पर वर्तमान में कितनी ब्याज मिलती है? PPF अकाउंट पर इस समय 7.1% सालाना के हिसाब से ब्याज मिल रही है,
भारत सरकार हर तिमाही के पहले पीपीएफ अकाउंट और अन्य सभी सरकारी बचत योजनाओं की नई ब्याज दर घोषित करती है। किसी महीने की 5 तारीख से लेकर अंतिम तारीख तक के बीच न्यूनतम बैलेंस पर ब्याज जुड़ता है, इसलिए 5 तारीख के पहले पैसा जमा कर देना ज्यादा अच्छा रहता है। क्या पीपीएफ अकाउंट को बीच में बंद करा सकते हैं? जी हाँ, विशेष परिस्थितियों में 5 पूर्ण वित्त वर्षों के बाद पीपीएफ अकाउंट बंद भी किया जा सकता है। ये विशेष परिस्थितियाँ इस प्रकार है। पीपीएफ अकाउंट धारक को गंभीर बीमारी हो जाने पर, अकाउंट धारक या उसके बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए, अकाउंट धारक के किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर या एनआरआई बन जाने पर। लेकिन 15 साल के पहले पीपीएफ अकाउंट बंद कराने पर ब्याज 1% कम करके पैसा वापस मिलेगा। यह कटौती अकाउंट खुलने की तारीख से लेकर अकाउंट बंद करने की तारीख तक के लिए होगी। क्या पीपीएफ अकाउंट से बीच में पैसा निकाल सकते हैं? हाँ, कोई जरूरत पड़ने पर आप पीपीएफ अकाउंट से बीच में भी कुछ पैसा निकाल सकते हैं। 5 पूर्ण वित्त वर्षों के बाद पीपीएफ अकाउंट से आधा पैसा निकालने की अनुमति होती है। जैसे कि अगर आपने वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है, तो फिर 1 अप्रैल 2027 के बाद पैसा निकाला भी जा सकता है। जिस वित्त वर्ष के